किसी फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। देखने में दोनों एक से थे, बिल्कुल एक सा उनकी कदकाठी रूप रंग बहुत सुंदर लगते थे। लेकिन बाद में पता चला कि उन दो घोड़ों में एक घोड़ा अंधा है। पास जाकर देखा तो उसे दिखाई नहीं देता है। लेकिन फार्म का मालिक बड़ा सहृदय था, बड़ा दयालु था। उसने अंधे घोड़े को निकाला नहीं, उसने उसकी और ज्यादा सुरक्षा की, उसने अंधे घोड़े पर और ज्यादा रहम दिखाया। मालूम है उस फार्म के मालिक ने क्या किया? जो घोड़ा जिसे दिखाई देता था, उस घोड़े के गले में उसने एक घंटी बांध दी। अब वह घंटी की आवाज अंधा घोड़ा सुनने लगा। अब जहां जहां वह आंखों वाला घोड़ा घंटी बजाते हुए चलता, उसके चलने से घंटी बजती थी, अंधा घोड़ा उसके पीछे पीछे चलता। आंख वाले घोड़े ने देखा कि मेरा मित्र असहाय है, वह देख नहीं सकता है। वह घोड़ा पलट पलट के उसको देखता, और जब तक वह अंधा घोड़ा सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच जाता, घंटी वाला घोड़ा आगे नहीं बढ़ा करता था। बड़ी सहायता की उसने उस घोड़े की, और उस घोड़े ने उस घंटी वाले घोड़े के सहारे अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। ये जानवर हैं भाई, ये पशु हैं, ये भी एक दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझा करते हैं। मालिक ने बहुत ख्याल रखा उसका। एक बात याद रखना, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमारे जीवन में होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि परमात्मा भी हमारा साथ देता है। हम कितनी गलतियां करते हैं, हम कितने गलत काम कर लेते हैं, हम कितने अपराध बोध हमारे अंदर आ जाता है, कितना हमारे अंदर से जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं जो परमात्मा को पसंद नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे लगता है कि शायद हमारी उन कमियों को देखकर ही परमात्मा हमारी सहायता किया करता है। हमारी कमजोरी को देखकर परमात्मा हमारी ताकत बना करता है, और वह घंटी की आवाज दे देकर हमें हमारे शतपथ पर सराह में लाने का प्रयास करता है। भगवान दिखता नहीं है, अंधे घोड़े को भगवान थोड़ी दिखते, अंधे घोड़े को आंख वाला घोड़ा भी थोड़ी दिखता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, कभी कभी हम उस अंधे घोड़े की तरह हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, हताशा भागते रहते हैं। लेकिन भगवान उस आंख वाले घोड़े की तरह होता है जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी हेल्प करता है, हमारे कष्ट पड़ने पर हमारा सहायक बनता है। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण, परमात्मा के नाम की घंटी, परमात्मा के भजन की घंटी, परमात्मा के सुमरण की घंटी और परमात्मा की स्मरण रूपी घंटियां यदि हम सुनते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, हमारे जीवन में दोस्तों कितनी भी कमजोरी हो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो हमारी सहायता को जरूर आएंगे। पूरे विश्वास के साथ भगवान के साथ जुड़े रहेंगे।